समझ लीजिए कि अभी साउथ से नहीं बल्कि समझ लीजिए कि हमारे बिहार यूपी की ये बहू है, बेटी तो नहीं बोलूँगा, बहू है यार, और इनका सम्मान है। और बेटी बहू सब औरत अगर जुड़ जाती है तो समझिए उसके साथ माँ का भी हमारा संबंध होता है, बहन का भी होता है, बुआ का भी होता है, पत्नी का भी होता है, गर्लफ्रेंड का भी होता है, एक दोस्त का भी होता है। तो समझ लीजिए कि ये बिहार की हो गई, हमारे भोजपुरी की हो गई है ना। अब आप साउथ की नहीं रही, आप भोजपुरी की हो गई है। भोजपुरी से प्रेम करते हैं आप? बहुत प्रेम करती हूँ, मेरा दिल हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार क्या प्रेम? हाँ ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, बोल दे प्रेम है उनको, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। सबसे पहला फिल्म आपने खेसारी लाल साहब किया, कितना अच्छा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। जब मैंने इनके साथ फर्स्ट शॉट दे रही थी तो कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि और भी मैं मूवीज इनके साथ करूँगी। आपने सेकेंड फिल्म दिनेश लाल यादव निरवा जी के साथ किया, थर्ड मूवी इनके साथ। अच्छा थर्ड मूवी उनके साथ किया, उनके साथ कैसा लगा आपको? वेरी गुड एक्सपीरियंस, इवन ही इज एन वेरी गुड एक्टर एंड परफॉर्मर, सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये खेसारी जी के साथ आप चौथी फिल्म कर रही हैं? चौथी फिल्म कर रही हैं, तो आपके लाइफ की भोजपुरी की चौथी फिल्म है ये? हाँ भोजपुरी का। अभी आगे आगे का क्या प्लान है? आगे के सेम ही है, अगर ऐसे मुझे अगर अच्छा अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिली तो मैं डेफिनेटली यहाँ पर करने के लिए बहुत इच्छा है। और किन किन भोजपुरी के सुपरस्टार के साथ काम करना चाहेंगे आप? नहीं तो मैं बेचारी किसी को जानती भी नहीं है। ये सबको जानती हैं, शायद आपको नहीं पता। अच्छा, सबको जान सबको नहीं, उतना मुझे नहीं पता, सर पता है और दिनेश सर पता है और रवि किशन सर को मैं जानती हूँ, क्योंकि सर को मैंने बहुत ही साउथ मूवीज में मैंने देखा है। खेसारी लाल और दिनेश लाल दोनों में अगर कंपेयर किया जाए, दो लाल में से किस लाल को आप ज्यादा पसंद करती हैं? दोनों को भी, क्योंकि क्या है ना, अभी लाइक खेसारी सर और दिनेश सर ये लाइक दोनों भी एक भोजपुरी का बहुत ही बड़े सुपरस्टार से, दोनों को भी एक अलग अलग फैन बेस है। सिंपली लाइक इन लाइक दोनों के स्टार नहीं बने हैं ना, लाइक दोनों को भी एक स्ट्रगल है, सो दोनों को भी देख सकते। खेसारी जी का बर्थडे है तो आप कुछ स्पेशल कहना चाहेंगे? मैं कहा ना कि इनके साथ सब, इनके पास सब कुछ है, दैट आई कांट विश हिम, बट आई जस्ट विश हिम दैट लेट हिम बी हेल्थी एंड हैप्पी। जो भी इनके पास अभी है वो ज्यादा होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा को सभी मूवी सभी गाने हिट है, और आगे के दिन में और ज्यादा हिट। सर आपसे सवाल है, मेघा जी के साथ आपने पहली फिल्म की, क्या ऐसा क्या दिख गया आपको तीसरी मूवी? देखो मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मुझे समझ में आता है कि कौन आर्टिस्ट क्या कर सकता है, और कहीं ना कहीं मेरे बस में नहीं है कि मैं किसी को स्टार बना दूँ। मुझे अच्छा लगा कि इनका बिहेवियर, इनका इनके मम्मी का बिहेवियर, इनका बिहेवियर, मुझे नहीं लगता था कि मैं कहीं अलग भाषा में जाकर काम करूँ। और ये एक्टर बहुत अच्छी हैं और बहुत डेडिकेट अपने काम को लेकर बड़ा ईमानदार है, और मुझे वही लोग पसंद हैं जो काम को समझते हैं। मुझे सुंदरता से कोई मतलब नहीं रहता था, क्योंकि सुंदरता मुझे लगता है कि आज है कल नहीं है। सुंदरता आज आपको लगता है कि सुंदर है, लेकिन वो कल आग में चल जाएगा, ये दुनिया छोड़ के चल जाएगा। लेकिन सुंदर ना हो के भी अगर आपने अपने जीवन में बेहतर काम किया है तो पूरे जीवन आपको सुंदर बना कर रखेगा, और वो मेघा के अंदर है कि ये अपने काम को बड़ा, मैंने एक बार अगर सीन मिल गया तो दुनिया का कोई चीज़ नहीं, मुझे सीन पढ़ना है, मुझे कैसे होगा क्या होगा, तो वो बहुत ज़रूरी होता है एक आर्टिस्ट के लिए। और मेघा जी के अंदर बहुत चीज़ें मुझे देखने दिखी जब मैं साउथ में तब करूँ, इसलिए मैंने इनको फिर दोबारा बोला कि सर आप लोग करिए। हाँ थोड़ा भाषा का प्रॉब्लम है कि हमारी भाषा को नहीं समझ पाती है, बट हम तो समझ पाते हैं ना इनको, हमने से थोड़ा थोड़ा समझ आवता नहीं आवता नहीं।
बहुत सारे कागज हम लिखे तेरा समझ आवा था नहीं क्योंकि सर सभी लोग मदद कर रहे हैं मदद कर रहा होगा देखिए बोल रही हूँ मैं तो वो सब चीज़ है कि हम जिस आगे के इस रास्ते को नहीं जानते हैं और उस रास्ते पे हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और हम निधड़क चला रहे हैं तो वो हमारी सोच है और वही मेघा जी के अंदर है कि ये भाषा को तो नहीं जानती है लेकिन हमारी भावनाओं को समझती है हमारी भाषा की गरिमा को समझती है और इंजॉय कर रही है हमारी भाषा के साथ हमारी भाषा के लोगों के साथ तो वो बड़ी बात है एक एक्टर के लिए और ये शुभकामना है मेघा जी के लिए कि ये जीवन में बहुत बड़े मुकाम पाए जो उन्होंने सोचा भी नहीं था वो चीज़ भी